92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं लम्हे। हर लम्हे में एक जिंदगी। अजी कुछ लोग होते हैं ना जो एक लम्हे में अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं। जरा सोचिए, जिस चीज की बिल्कुल उम्मीद ना हो पर जो चीज बेसब्री से चाहिए वो एक लम्हे में आपको मिल जाए। आपने भी देखा होगा आपके क्रश का आपके प्रपोजल का जवाब में हाँ कह देना, वो रॉन्ग नंबर की लिस्ट में अचानक से राइट नंबर मिल जाना, जीत के लिए 5 रन चाहिए और अचानक से छक्का लग जाना। यही छोटे छोटे लम्हे जिंदगी को बड़ा बनाते हैं और हर शाम 92.7 बिग एफएम के इस शो पर इन्हीं छोटे छोटे लम्हों में छुपी बड़ी बड़ी कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा। और आज के लम्हे में जिस लम्हे को हम जीने वाले हैं वो उस इश्क की कहानी को वापस याद दिलाएगा जिसके किस्से पूरे मोहल्ले में हुआ करते थे, क्योंकि इश्क ही मोहल्ले का था। याद है, ठंडियां बढ़ती जा रही थी, सुबह सुबह बिस्तर से बाहर निकलने में जान निकल जाती थी। अजी ये सर्दी का टाइम होता ही है प्यार मोहब्बत का, खासकर वो मोहल्ले का प्यार जो छज्जे छज्जे पर खिल रहा होता है। ऐसे ही धूप सेकने एक बार रोशनी भी आई थी। उस दिन बाय गॉड रोशनी पूरी दिल्ली छेकी सोनम कपूर लग रही थी। अरे कहां भाग रही, मेरी किताब वापस कर। कबूतर भी उसकी छत पर एकदम मसक्कली जैसे बैठे थे। वैसे रोशनी के बारे में तो आपको बताया नहीं, रोशनी हमारे मोहल्ले के वैद्य जी की बेटी है, जी डॉक्टर साहब की। कॉलेज जा रही हूं बाबूजी, शाम को मिलती हूं। उसके और मेरे घर के बीच में सिर्फ एक क्रिकेट पिच की जितनी दूरी थी। ये समझिए कि पूरा मोहल्ला वैद्य जी की इस दवाई का मरीज था और हम भी उन्हीं मरीजों में से एक। कॉलेज सेकेंड ईयर का दिन था और हमारे मोहल्ले में योग शिविर लगा था। मोहल्ले के सारे बुजुर्ग सुबह सुबह वहां चले जाते थे, वैद्य जी को तो जाना ही था। मैं बड़ा एक्साइटेड था कि जिस रोशनी को हम छत पर से ही देखते थे अब उसे पास से देखने को मिलेगा। अगले दिन मैं सुबह सुबह तड़के उठकर योग शिविर पहुंच गया। मम्मी खुश, उन्हें क्या पता कि उनके घर का चिराग किसी और के घर की रोशनी देखने जा रहा था। पर रोशनी तो वहां आई नहीं थी। और ससुर जी, मेरे कहने का मतलब है, वैद्य जी से पूछने पर पता चला कि रोशनी की परीक्षाएं चल रही थी और वो सुबह सुबह पढ़ रही थी। भाई फिर क्या था, हम पहुंच गए वापस घर और घर पहुंचकर देखते हैं तो रोशनी की घर की सिर्फ एक ही खिड़की खुली हुई थी। दिल टूट गया मेरा। और फिर उस दिन अचानक से पता नहीं कहां से मेरे अंदर वो हिम्मत आ गई और मैंने आवाज लगाई थी, रोशनी जी, रोशनी जी। अरे चिराग तुम? हेलो। हाय, क्या हुआ? अब कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर आवाज क्यों दे रहे हो? आवाज कैसी आवाज जी? नहीं मैंने तो कोई आवाज नहीं दी। आर यू श्योर? हाँ हाँ हाँ, मैं तो योगा कर रहा था, देखे ना। हाँ, आज वो शिविर में सीखा जी। अच्छा, शिविर में सीखा, क्या बात है। हाँ जी हाँ जी, मैं तो बचपन से ही योगा करता आ रहा हूँ ना, ये देखिए। पागल। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम कंटिन्यू करो, मैं चलता। नहीं नहीं रुकिए, मैं वो हमारे मोहल्ले की पानीपुरी पूरे शहर में सबसे फेमस है जी। अच्छा चिराग, मैं भी इसी मोहल्ले में रहती हूँ, कल मेरे एग्जाम है, मुझे पढ़ने में जाती हूँ, बाय। ओके जी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट तो सुनती जाती, मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए था? क्या मैंने ज्यादा बोल दिया? क्या मेरा योगा करना उसे अच्छा नहीं लगा? मन ही मन में बाबा रामदेव को कोस रहा था। एक ही तो पड़ोसन थी मेरी, वो भी अब मुझसे उखड़ गई। हाय, अब तो सिर्फ सामने वाली के लिए मेरे मन में एक ही गाना बजता है। करीब एक सप्ताह बीत गया था और मैंने रोशनी को देखने की कोशिश भी नहीं की। बुधवार करीब 5 बजे की बात है, मम्मी ने मुझे जबरदस्ती टेलर आंटी के यहाँ अपना पटियाला सूट कलेक्ट करने के लिए भेज दिया और मैं अंदर जाने ही वाला था कि अचानक एक जानी पहचानी बड़ी स्वीट सी आवाज आई। ठीक है आंटी, पक्का मैं अगले वेंसडे आके कलेक्ट कर लूंगी, ठीक है अभी मैं चलती। रोशनी सामने से मेरी तरफ ही आ रही थी। मैं सक पका कर बोला, अब हाय रोशनी। चिराग तुम यहाँ भी? हाँ मैं वो, मैं मम्मी। क्या मम्मी, तुम भी अपने लिए पटियाला सिलवाने आए हो? नहीं नहीं, मैं तो मम्मी जी का पटियाला कलेक्ट करने आया था। अच्छा तो कर लिया? हाँ हाँ जी कर लिया। तो चले? हाँ हाँ चलता हूँ, चलता हूँ मैं। कहाँ चलता हूँ?
इधर आओ हाँ, बात सुनो ना। हाँ, उस दिन क्या बात बता रहे थे तुम मुझे? मैं किस दिन? मैं तो कौन सी क्या बात? अरे बहुत भुलक्कड़ो, उसी दिन जब खिड़की से तुमने मुझे जोर से आवाज दी थी। मैंने दी नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं दी, मुझे तो कुछ याद नहीं जी। सच्ची में नहीं दी आवाज? नहीं तो। अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हें एक बात पता है क्या? क्या? यही कि हमारे मोहल्ले की पानीपुरी पूरे शहर में फेमस है। हाय, मैंने सोचा भी नहीं था कि रोशनी मुझे पटियाला में मिलेगी, मेरा मतलब पटियाला की दुकान में मिलेगी। और उसने खुद से ही पूछा, मतलब उसे याद था, उसे सब याद था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब सपना है, सच है या कहानी। खुदा की रोशनी अब मुझ पर पड़ी थी। अभी तक जो लड़की एकदम अनजानी थी, वो आज से पूरी दीवानी लग रही थी। जो भी हो रहा था, मजेदार हो रहा था। बस ऐसे ही इश्क की अंगड़ाई ली चिराग और रोशनी के प्यार ने। पहले पहले डेट के लिए तैयार होना कितनी बड़ी बात होती है, आपको तो मालूम ही होगा। रात को ही बार्बर के पास जाकर मैंने अच्छे से बालों की सेटिंग कराई, पापा के, भैया के, सबके कपड़े ट्राई कर लिए। मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि पहन के क्या जाऊं। अरे अच्छा, आपको बताया नहीं, उस दिन पानीपुरी खा रहे थे ना मैं और रोशनी, हाँ तब रोशनी ने दोबारा मिलने के लिए कहा था। हाँ बस अभी वहीं जा रहा हूँ, कुछ ही दूर पर है पार्क। एक बात बताऊँ आपको, दिल तो इतना तेज बीट कर रहा है मानो जेम्स वॉट का पहला स्टीम इंजन हो। हालत खराब थी पूरे रास्ते, तभी मुझे दूर से रोशनी खड़ी दिखाई दी। मैं बाल ठीक करते हुए उसके पास पहुंचा, मन ही मन सोच रहा था कि मेरी ये पीले रंग की शर्ट उसे कैसी लग रही होगी, पहली बार बालों में जेल भी लगाया था। रोशनी आ गई। हाय रोशनी। हाय चिराग, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोचा नहीं था तुम सच में आओगी। क्यों नहीं सोचा? अब चिराग जहाँ होगा रोशनी तो वहीं होगी ना। आओ चलते। वैसे तुम्हें पता है ये वही पार्क है जहाँ चंद्रशेखर आजाद ने ना, ये वही पार्क है जहाँ चंद्रशेखर आजाद ने खुद को हमेशा आजाद रखने के लिए गोली मार ली थी। हाँ, और मालूम है उन्होंने चिराग, मैं भी इसी मोहल्ले में पली बड़ी हूँ तो मुझे पता है एल्फ्रेड पार्क और चंद्रशेखर आजाद की कहानी। काम डाउन। अरे हाँ, तुम भी तो यहीं पे पली बड़ी हो। हाँ। चिराग, तुम ना मुझे अपना दोस्त समझो, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? चलो इस तरफ आओ। मैं चलता हूँ ना। अरे आओ इस तरफ बाबा। मैं जी पकड़ो मेरा हाथ। कितना शर्माते हो, पकड़ भी लो। हाय, इतनी खुशी तो मुझे 10th में सारे सब्जेक्ट्स में A+ मिलने पर भी नहीं हुई थी। एक अजीब सा करंट धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा था, एक एनर्जी जैसा। सपना सच होने की खुशी थी। अब मन कर रहा था कि कोई मुझे टोके नहीं, कोई मुझे रोके नहीं। जो मंजिल अभी तक दूर लग रही थी, उस मंजिल को पाने का रास्ता मिल गया था। अब सिर्फ चिराग और उसकी रोशनी। ये क्या हुआ तुम्हें? रोशनी ने मेरे चेहरे पर निकला एक पिंपल नोटिस कर लिया और मुझे दूर करने के लिए आयुर्वेदिक टिप्स देने लगी। तुम्हें रोज रात को सोने से पहले मुंह पे पानी। पर मुझे तो सिर्फ प्यार हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उस दिन एक अजीब सी शिकन थी। इस वजह से मैं उसे प्रपोज नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी हम दोनों करीब 20 मिनट तक बातें करते रहे। ज्यादातर वही बोल रही थी, मुझे बिल्कुल अपनी माँ उसमें नजर आ रही थी और मैं अपने बाबूजी की तरह अपना सर हिला रहा था। मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं चलती हूँ, बाय। फिर अचानक से उसने बाय बोला और चली गई। दोबारा मिलने का समय तो बताया भी नहीं। तब का दिन ले लो और आज का दिन ले लो, पूरा एक हफ्ता हो गया। एक ही बार उसकी बहन ने फोन उठाकर बोला था कि उसकी तबीयत खराब है। सूरज ठंड में निकलता जरूर था, पर मेरे जीवन का कोहरा कभी छटता ही नहीं। मैं सर लटकाए उसका इंतजार कर रहा था कि अचानक से मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। सर उठाकर देखा तो, अरे रोशनी, हाय। हेलो चिराग। तुम आज मेरी छत पर? हाँ बाबा, वो तुम्हारे छत पर धूप डायरेक्ट आती है ना, तो बाबूजी ने बोला मैं यहीं आकर बैठा करूं। हाँ नहीं, वो तो है, धूप तो डायरेक्ट आती। क्या हो गया था जी आपको, तबीयत खराब? वो चिराग, एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जी जी बोलिए ना। एक्चुअली बीमार नहीं, पर एक अजीब सी कंडीशन है मुझे बचपन से। क्या कंडीशन है? सारी कंडीशन मंजूर है। मुझे ना ज़ेंथोफोबिया है। ज़ेंथोफोबिया? ज़ेंथोफोबिया, हाँ, क्या होता है ये? ज़ेंथोफोबिया यानी पीले रंग का डर होता है लोगों में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डर। क्या, रंगों से डर? हाँ, वो उस दिन तुमने वो पीले रंग की शर्ट पहनी थी ना,
उस दिन सर घूमने लगा था, पसीना छूटने लगा था, इतनी घबराहट हो रही थी मुझे। आपने बताया क्यों नहीं मुझे? ओह माय गॉड, मतलब आपकी बीमारी की वजह मैं हूँ? अरे पगले, बोला ना तुमने कुछ नहीं किया। डोंट वरी, अभी मैं चलती हूँ ना। पर आप जा रही हैं इतनी जल्दी? हाँ चिराग, अभी चलती हूँ, फिर मिलेंगे ना। अब तो तुम्हारी छत पे रोज आना है। हाँ पर वो धूप मेरी। ना जी भर कर देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, हाय। पर ज़ैंथोफोबिया, अ स्ट्रेंज फियर ऑफ कलर येलो, पहली बार सुना था ये। किसी को पीले रंग से भी एलर्जी हो सकती है। मैंने उन दिनों ज़ैंथोफोबिया पर लिखे सारे आर्टिकल्स पढ़ डाले। मालूम पड़ा रोशनी सही कह रही थी, सच में एक ऐसी बीमारी होती है। मैं नहीं चाहता था कि रोशनी किसी भी बीमारी से जूझे। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के लेखों से पता चला कि धीरे धीरे काउंसलिंग करके इसे दूर किया जा सकता है। मैं बस एक चीज जानता था, मैं रोशनी को खुश देखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि उसे किसी भी किस्म का डर हो। मैं रोशनी की यह प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था, उसका साथ देना चाहता था। आखिर उसकी कोई भी प्रॉब्लम अब मेरी प्रॉब्लम है ना। हाँ, रोशनी को पीले रंग से कोफ्त थी, ज़ैंथोफोबिया नाम की एक बीमारी थी, और उस दिन से मेरी मां को उसके पीले रंग की साड़ी दोबारा पहनने को नहीं मिली। गुड़िया के सारे पीले टॉप्स मैंने छुपा दिए थे। मैं नहीं चाहता था कि रोशनी जब भी हमारे छत पर धूप सेकने आए तो उसे कोई तकलीफ हो। अब जब भी रोशनी आती, मैं धीरे धीरे उसे बिना बताए उसकी काउंसलिंग करने लगा। मैंने जो कुछ भी पढ़ा उसे रोशनी पर प्रयोग किया। ये देखिए, 15 Days to Free Xanthophobia, हाँ, इस किताब का कोर्स किया मैंने और उसका आज आखिरी दिन है। 15 डेज के इस कोर्स के मुताबिक आज की काउंसलिंग के बाद रोशनी ठीक हो जाएगी। मैं बहुत ही उत्सुकता से रोशनी का इंतजार कर रहा था, पर रोशनी एक वो है कि आ ही नहीं रही थी। उसके घर से निकलने वाले रास्ते पर मैं कब से आंखें बिछाए बैठा था। आखिर उसकी इस हालत का जिम्मेदार भी तो मैं ही हूं ना। आखिर पीली शर्ट भी तो मैंने ही पहनी थी। मैंने पूरी हिम्मत इकट्ठा की और उसके घर पहुंच गया। वहां जाकर पता चला कि रोशनी किसी दोस्त के साथ सत्यनारायण की पूजा में गई थी। रोशनी की मम्मी ने बताया कि उसकी तबीयत भी ठीक हो रही थी। जब मैंने रोशनी के घर में ध्यान से देखा तो कोई भी पीले रंग की वस्तु नहीं थी। अब मुझे चीजें एक सिरे से समझ में आने लगी। मैं अब उसके घर से निकल ही रहा था कि देखा वो सामने खड़ी है, वो भी पीले कुर्ते में। रोशनी के जीवन से पीले रंग का डर चिराग ने दूर कर दिया था और रोशनी पीले कलर के कुर्ते में उसके सामने खड़ी थी। वो सारी काउंसलिंग काम कर गई। मैं बड़ा खुश था। आफ्टर ऑल, उन सब किताबों और चीजों पर जो मैंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करी थी वो कामयाब हो गई। वो कहते हैं ना, मनी वेल स्पेंट। पीले कुर्ते में रोशनी एकदम मारी गोल्ड लग रही थी। हाय चिराग, चिराग। हाँ हाँ, क्या सुनने की कोशिश कर रहे हो? मारी गोल्ड। मारी गोल्ड कहाँ है? मारी गोल्ड तुम नहीं समझोगी। बाय द वे, बड़ी अच्छी लग रही हो। थैंक्स। पता है 8th क्लास के बाद मैं पहली बार पीला पहन रही हूँ। तुम्हें याद है उस दिन पार्क में तुम्हारे पीले रंग के शॉर्ट से मुझे प्रॉब्लम हो गई थी? हाँ याद है, ज़ैंथोफोबिया। राइट, तुम बिलीव नहीं करोगे, अब मुझे पीले रंग की चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अरे कैसे होगी भला, पिछले 14 दिनों से वही तो। हाँ चिराग, पिछले 14 सालों से बाबूजी के आयुर्वेद की गोली खाने का फाइनली कोई फायदा हुआ है मुझे। वैद्य जी की दवाई? हाँ चिराग, बाबूजी की दवाई। इमेजिन 14 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क। नहीं मतलब आयुर्वेद तो काम करती है, वो तो है। और क्या, कई लोगों ने बोला था कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर काउंसलिंग करने के लिए, पर बाबूजी बोलते रहे कि वो गोलियों से ठीक कर देंगे, और ये देखो। क्या बात है, क्या बात है, तुम्हारे बाबूजी का भी जवाब नहीं। हाँ वो तो है। तो फिर चलता हूँ जी। अच्छा सुनो जी, शाम को पीली वाली शर्ट पहनोगे क्या? मैं भी पीला पहन रही। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं रोशनी। पर मिलेंगे कहाँ? इतनी जल्दी भूल गए? हमारे मोहल्ले की पानी पूरी, पूरे शहर में सबसे फेमस। सी यू चिराग। ओके जी, बाय बाय। हंस कह रहे हैं आप? मैंने कभी बताया नहीं रोशनी को कि मैं उसकी काउंसलिंग कर रहा था, और क्यों बताऊं मैं? वैद्य जी के 14 सालों की मेहनत बर्बाद नहीं हो जाती? कभी कभी तो ये सोचता हूं कि अगर मैं उसका ज़ैंथोफोबिया दूर नहीं करता तो आज वो अपने हाथ पीले नहीं करती। खैर छोड़ो,
मोहल्ले का प्यार कभी पार नहीं लगता। मोहल्ले का प्यार किसी तीर की तरह एक तरफा होता है, एक छज्जे से शुरू और नुक्कड़ पे खत्म। बाय द वे चलता हूं, रोशनी की शादी में गिफ्ट में मैं उसके हस्बैंड को वही 15 डेज टू फ्री ज़ैंथोफोबिया वाली किताब दे रहा हूं, क्या पता कब काम आ जाए। रोशनी तो चली गई पर चिराग अब भी जल रहा था। वैसे सुना है कि वो जो शर्मा जी का घर है खाली पड़ा था, वहां कुछ नए किराएदार आए,